हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग में मेरे यहाँ आ चुके हैं फूल, जो कि बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और पिंक कलर के हैं। पिंक कलर के तो सारे मतलब टूट चुके हैं, लेकिन ये रेड कलर का जो है, ये जो है मेरी पूजा में काम आ जाएगा, क्योंकि आज अष्टमी है, अष्टमी का व्रत है, तो माता रानी की पूजा होगी ना, उसमें यूज हो जाएगा। एक मामी जी हैं, वो उनके यहाँ फूल आ रहे हैं, ये बहुत सारे फूल आ रहे हैं, तो इस वजह से वो मुझे दे के गई हैं। जैसे कि पहले भी कभी देखा होगा आपने ब्लॉग में, वो हमेशा जैसे मेरा पूजा वाला कोई दिन होता है ना, तो वो दे जाती हैं पूजा वूजा के लिए। और ये दे चुकी हैं। इधर जो है मैंने देखो कड़ी बना ली है, अभी पूजा की नहीं है, अब पूजा करने जाऊंगी। और ये कड़ी बना के रख दी है मैंने, बाकी काम अभी बाद में करूंगी, जैसे कि आटा वगैरह लगाना। और ये कड़ी अच्छे से बन चुकी है, इसको ना निकाल कर रख दूंगी मैं। और इधर जो है आज मैंने घी भी बनाया था, तो ये घी भी बन चुका है अच्छे से, और इसी में रख दूंगी ये गर्म होने के लिए। तो ये धीरे धीरे ना बनता रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम में बनता है, बहुत टाइम लगता है इसमें घी बनने में, तो ये आराम से बनता रहेगा। मीडियम करके रख दूंगी इसको, और ये इसी में बन जाएगा। वैसे मैं कढ़ाई में बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज इसी में रखा हुआ है भगोने में, तो इसी में रख दूंगी। और इसको कर देती हूँ अब बंद, और ऊपर से लगाना है अभी इसमें तड़का, जो कि लाल मिर्ची वाला तड़का लगाना है, बाकी ये सब चीज़। और अब ये घी ना अच्छे से उबलने लगा है, क्योंकि जब ये शुरू में गर्म होता ना, आप कितने भी बड़े बर्तन में रख दो, लेकिन ये निकल निकल के बाहर ही भागता है, तो इस वजह से अब निकलना अब शुरू हो गया है, मतलब उबलना शुरू हो गया है ना, तो अब इसको छोड़ सकते हैं। अब बिल्कुल मीडियम कर दिया है, अब ये आराम से गर्म होता रहेगा। इधर मैंने कढ़ी वगैरह भी पलट दी है, बर्तन वगैरह भी पूरे क्लीन है, और ये जो है उबलता रहेगा। बिल्कुल मीडियम करके रख दूंगी ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, 20 मिनट से आधा घंटा भी लग सकता है इसमें। तो और मैं यहाँ पर नहाकर भी आ चुकी हूँ, और मेरी हो रही है माता रानी की पूजा, जो कि आज अष्टमी है, माता रानी का व्रत है मेरा, तो इस वजह से आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ थोड़ा सा अपने मंदिर के। और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर भी खूब सारा बना रहे, क्योंकि माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, और साथ साथ मेरी भी मनोकामना पूरी करें। जो भी मेरे मन में है, जो मैं करना चाहती हूँ, वो सब हो। तो यहाँ पर पूजा वगैरह होने के बाद मैं पूरे घर में जो है, जो अग्यारी करती हूँ ना, पूरे घर में अपना घुमा के आती हूँ, सब बच्चों को देकर आती हूँ अग्यारी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दे देती हूँ थोड़ा सा अग्यारी, तो आप सब पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। और उसके बाद मैं अपना जल वल चढ़ाऊँगी, तो आज संडे है तो तुलसा जी में तो चढ़ा नहीं सकते, और आजकल हमारी तुलसा जी भी ना पूरी सूख गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं उन पर, तो जल दे देती हूँ। लेकिन संडे को हमारे यहाँ जल नहीं देते हैं, इसलिए सैटरडे को ही थोड़ा सा जल चढ़ा देते हैं शाम वाम को, तो संडे को अपना बना रहता है। उसके बाद मैंने काम किया, किचन का काम, बहुत सारा काम था, वो सब किया मैंने, खाना पीना तैयार किया, सब्जी मतलब कढ़ी तो आप लोगों से शेयर करी थी, पहले ही बना गई थी। उसके बाद मैं आटा वगैरह लगा के, और ये घी मैंने रख दिया था, और आज मैं दूध भी भूल गई थी गरम करना, तो फिर मैंने बाद में दूध गरम रखने, मतलब जैसे खाना बन रहा है ना, उसी समय फिर दूध रख लिया गरम करने के लिए, और खाना बनाना शुरू भी कर दिया है। और एक रोटी गाय की निकाल दी मैंने, गाय की मैं हमेशा निकालती हूँ, गाय की और लास्ट वाली कुत्ते की, तो वो रोटी मैं हमेशा निकालती हूँ, तो वो निकाल के रख दी है मैंने साइड में। और अब मैं प्लेट लगा देती हूँ, तो सबसे पहले जाएगा मम्मी को खाना, और मम्मी भी किचन में आ चुकी थी जब तक प्लेट लगी ना, तभी फिर मम्मी भी आ चुकी थी। और यहाँ पर खाना जो है तैयार है, कढ़ी चावल रोटी। और उसके बाद में मैंने किचन का काम ख़त्म करने के बाद में अपना आज चाय नहीं बनाई मैंने, आज ये अंगूर रखे हुए थे, तो प्रिया ने ना धोकर रख दिए मेरे लिए, कि मम्मी ये खा लेना आप, जब पूजा मतलब
बहुत देर बाद, और उसके बाद बच्चों को भेजा मैंने बाजार, क्योंकि आप लोगों को पता ही है त्यौहार है, बिल्कुल टाइम त्यौहार आ गया है बिल्कुल सर पर, और घर में राशन नहीं था, तो जो जो जरूरी जरूरी सामान था वो सब मैंने मंगाया, चीनी वगैरह, और कुछ सामान ऐसा होता है ना जैसे कि उसमें भी लगता है, और इतनी महंगाई हो रही है ना, आप घर से सोच के जाओगे ना कि इतने में सामान आ जाएगा, लेकिन उससे डबल ही आने वाला है, जरा सा सामान जो है कितने पैसों में आ जाता है, आजकल इतनी महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा। और कुछ डब्बे मैंने साफ़ करके रखे थे ना, तो साथ की साथ मैं इनको भर भी दूंगी। अभी मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि एकदम से मौसम जो है चेंज हो चुका है, बिल्कुल बादल बादल से हो गए, और देखो अभी सूरज निकल चुके हैं दोबारा से, नहीं बिल्कुल भी एकदम ख़राब हो गया था। मैं गेहूँ रखे हुए थे तो वो उठाकर रखे हैं मैंने अंदर, मैंने कहा इनको अंदर रख देती हूँ, नहीं तो बारिश आ जाती है ना एक साथ तो मुश्किल हो जाता है उठा के रखना, तो इस वजह से मैंने कहा गेहूँ को रख के आती हूँ पहले। तो मैं ऊपर आई हूँ और फिर से जो है सूर्य भगवान थोड़े से दिख गए ऐसे ही हो जाता है, मतलब उठा के रख दिए तो कोई बात नहीं, नहीं तो बारिश आ जाती है एक साथ ही, तो ऐसे ही होता है। और अब चलूँगी नीचे, तो कुछ डब्बे भी धोए थे मैंने, डब्बे वगैरह धोए थे वो भी अब लेके चलती हूँ नीचे, क्योंकि सामान वगैरह खिलाया था ना तो कुछ डब्बे गंदे थे, वो बाकी अपना साफ़ कर करके रख दिए सारा सामान लगा के, और जो डब्बे गंदे थे वो मैंने धोकर, मैंने कहा अब बाद में भरूंगी इनमें जो सामान रह गया है कुछ वो धो धो के भरूंगी, क्योंकि ऐसा ही ना एक बार सामान भर जाता है ना तो फिर है कि थोड़ा सा है तो अभी फिर बाद में धो लेंगे, अभी खाली हो गए थे तो धो धो के अपना रख जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।